नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि मिर्ची के जो प्लांट होते हैं, जो आप छोटे छोटे जो पहले प्रिपेयर करते हो, उनको आप दूसरी जगह पर मतलब उस सीड को जो आप लगाना चाहते हो तो वो किस प्रकार से लगा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि कल की जो मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके दोस्तों। दोस्तों ये जो आप सभी जो मेरे प्लांट दिख रहे हैं आप इस वीडियो में, ये सभी मतलब मिर्ची के जो छोटे छोटे मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, मतलब इस बीजार को कर रखा है तैयार। तो अब मैं इसको मतलब लगाने के योग्य हो चुका है ये, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर पुट करूँगा जहाँ पर इसके मिर्ची आएंगी। तो वो इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊँगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना। तो आज की इस वीडियो को अपन करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अपन ये करते हैं कि ये जो सभी जो प्लांट दिख रहे हैं छोटे छोटे मिर्ची के, इन सबको यहाँ से निकालते हैं। निकालने का तरीका ये देख लीजिए दोस्तों, जैसे मैं निकाल रहा हूँ इसी प्रकार से अगर आपके घर में मतलब ऐसे प्लांट है और अगर आप उनको निकालना चाहते हो तो इसी प्रकार से निकाल लिए कि भाई इसके साथ में मिट्टी आ जानी चाहिए, नीचे वाली जो मिट्टी होती है उसी को भी इसके साथ ही आपको ले लेनी है। अगर मिट्टी को नहीं लोगे दोस्तों तो ये क्या है कि जड़ें इसके अंदर होने के कारण इसकी रूट टूट जाती है, इसी छोटी छोटी सी रूट होती है तो वो टूट सकती है दोस्तों। तो फिर ये मतलब पेड़ ग्रो करे या नहीं चल पाए तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो सभी जो मिट्टी होती है इसके साथ वाली, इस सब मिट्टी को आपको ले लेना है। मैं सभी प्लांट को निकाल लेता हूँ दोस्तों, तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो दोस्तों। तो ये सभी जो आपको प्लांट दिख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो ये सभी मैंने इसके अंदर निकाल लिए हैं और अब इसको वहाँ पर लगाऊंगा जहाँ पर मैं आपको मतलब मिट्टी को तैयार करके रख चुका हूँ, तो उस जगह पर लेकर चलता हूँ आपको। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये मेरा आउटडोर के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है तो उसी के अंदर मैं लगाऊँगा, तो इसके बीच की जो दूरी होती है ना तो वो भी ज़्यादा रख सकता हूँ मैं। तो इसी को पहले इस मिट्टी को मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। आपको फर्टिलाइज़र डाल देना है इसके अंदर, वो मैं दोस्तों वीडियो के एंड में बता दूंगा कि मैं अभी जो इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कौन सा वाला फर्टिलाइज़र है। तो अगर आप भी मतलब अच्छे तरीके से जो सब्जी को जो ग्रो करवाना चाहते हो तो यही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना, क्योंकि दोस्तों ये मतलब ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो आपको यही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है, वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन से वाला फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से आपकी जितनी भी मिट्टी है उन सबको फर्टिलाइज़र और पीली मिट्टी को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में। इस प्रकार से आपको सभी मिट्टी को मिक्स कर लेना है। और दोस्तों अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है और अगर आपके किचन गार्डन है या टेरिस गार्डन है और उसके अंदर आप इसको लगाना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि जो अन्य जो चारा और खरपतवार होता है उन सबको आपको अच्छे तरीके से हटा लेना है। उससे क्या होगा कि मतलब पेड़ को ग्रोथ करने में भी आसानी होगी और वो जल्दी से वो मतलब खरपतवार भी बड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो जाए कि मतलब पेड़ ही नीचे रुक जाए और वो खरपतवार ऊपर निकल जाए। तो आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है, आपको खरपतवार को अच्छी तरीके से उसकी जगह से बिल्कुल ही आपको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। और अब देख लीजिए दोस्तों, ये जो ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं इस वीडियो में आगे आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो ये सभी मेरा जो बीजार है मतलब सीड जो तैयार की थी मैंने, ये सभी पौधे हैं छोटे छोटे वाले, और अब इन सबको मैं इसके अंदर मतलब ये खुले एरिया के अंदर मतलब ग्राफ्टिंग करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में देखते रहिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी ग्राफ्टिंग होती है, आप देख लीजिए। इस पेड़ को लगाने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको मतलब दबा देना है। दबाने से क्या होगा कि जो आप तब भी इसमें पानी डालोगे ना, शुरू शुरू में दिक्कत आती है दोस्तों, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले टाइम जो मतलब ये 15 से 20 दिन का न्यू हो जाता है तब तक ये दिक्कत होती है, उसके बाद में ये दिक्कत आपको सामने नहीं आएगी। मतलब थोड़ा सा पेड़ ग्रो कर लेगा तो उसके बाद में इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, पानी जो डालते हो ना वो थोड़ा सा दूर डाल दीजिएगा और इसको अंदर डाल के और अच्छी तरीके से मतलब इसके चारों तरफ की जो मिट्टी होती है उसको आपको अच्छी तरीके से दबा देनी है। और इसके बाद में क्या करना है कि दोस्तों, इसके जो बीच का जो स्पेस रखना है वो आपको 1-1 फीट की दूरी रखनी है। इससे क्या होगा कि मतलब जो ये बड़ा होगा जितना भी पेड़, उससे ये मतलब इसकी जो टहनियाँ निकलेगी तो वो आपस में मिल ना सके और दूर दूर रहे, तो इससे क्या होगा कि
कोई अन्य कोई कीटाणु वगैरह लगेंगे तो अभी एक पेड़ पे लग गए दोस्तों तो वो दूसरे पेड़ पे नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि इसको दोस्तों इससे क्या होगा जो पेड़ होगा जो उसको ग्रोथ करने में आसानी मिल सकती है। दोस्तों पेड़ लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये मैंने सभी पेड़ लगा दिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो पानी डालना है तो वो मतलब पेड़ के थोड़ा सा मतलब दूर दूर आपको डाल देना। उससे क्या है कि ये जो पेड़ होगा ना वो नीचे नहीं गिरेगा, अगर इसके ऊपर डाल दोगे आप तो ये पेड़ नीचे भी गिर सकता है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा इसके साइडों में पानी डालना है, बिल्कुल ऊपर नहीं डालना है। और दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था वो कौन सा वाला फर्टिलाइज़र है दोस्तों, वो मतलब मैंने देसी खाद मतलब कि गोबर का जो खाद होता है उसी का इस्तेमाल किया था, कोई अन्य फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट भी है मेरे पास और दूसरा वाला भी है पर उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि इन चीज़ों को मतलब देसी खाद की ज़रूरत होती है जिसमें आपको अच्छी तरीके से ग्रोथ मिल सके और पेड़ जल्दी से बड़ा हो सके, तो आपको मतलब देसी खाद ही यूज़ करना है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि मैं तब भी कोई नई ऐसी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।